नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीजनिंग का जो सीरीज़ चल रहा है एलपी टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी के लिए, उसमें हम लोग करेंगे आपका वेन डायग्राम। तो ये हम लोग टोटल जो है दो तीन वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे वेन डायग्राम को, सो दैट आपको टोटल आइडिया हो जाए, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। इससे पहले बहुत सारे जो वीडियोज़ अपलोडेड है, एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, तो ज़रूर देख लीजिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर। हाँ, तो देखो रीजनिंग जो वेन डायग्राम है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको बाद में सिलोजिज्म में भी कॉन्सेप्ट में काम आएगा। तो चलिए देख लेते। पहला जो है, सपोज आपको ऐसा दे ड्रामिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यू म्यूजिशियन। तो देखो जो ड्रामिस्ट है, ठीक है, तो वो सबसे अंदर आ गया। तो ड्रामिस्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी होता है, तो वो पूरा अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अंदर। और जो इंस्ट्रूमेंटल है वो तो म्यूजिशियन भी है ना, तो आपका जो डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, एक के अंदर एक, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, जो अगर ऐसा हो तो ज़रूर ये ऐसा डायग्राम होता है। नेक्स्ट देख लेते, मैजा सुगर केन एंड क्रॉप। तो देखो क्रॉप मैजा भी है, सुगर केन भी है, तो हम लोग क्रॉप को एकदम एज अ होल बड़ा कर लेंगे। उसमें एक पार्ट जो है मैजा है, एक पार्ट है सुगर केन, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट देख लेते, मदर सिस्टर एंड फीमेल। देखो इसी में रिलेशन है, पहले में एकदम अलग था, लेकिन फीमेल जो है पूरा एज अ होल बड़ा है, उसमें मदर एंड सिस्टर इंटर रिलेटेड है, क्योंकि कुछ मदर्स जो है वो सिस्टर्स भी हैं और कुछ सिस्टर्स जो मदर्स भी है, तो आपका डायग्राम ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेन स्टेशनरी पाउडर। तो देखो ये क्या है, पेन जो है एक स्टेशनरी आइटम है, तो पेन अंदर हो गया, स्टेशनरी एज अ होल बड़ा हो गया, और पाउडर एक पूरा अलग है, तो पाउडर को अलग रख दोगे। नेक्स्ट देख लेते, कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड। देखो जो कंप्यूटर स्किल्ड है वो ग्रेजुएट भी है, जो ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर स्किल्ड भी है, और सभी एम्प्लॉयड भी है, तो आपका डायग्राम ऐसे पूरा तीनों इंटर रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देख लेते, पुलिस डॉक्टर फीमेल। अब देखो फीमेल बीच में रखते हैं, कुछ फीमेल जो है पुलिस हो सकते हैं, कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकते हैं, तो कुछ फीमेल डॉक्टर हो गया, कुछ फीमेल पुलिस हो गया, और ऐसा भी हो सकता है दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों दो प्रोफेशन है, एक पुलिस और एक डॉक्टर, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते, वेजिटेबल पोटैटो रॉटन। ठीक है, अब देखो पोटैटो जो है एक वेजिटेबल है, तो पोटैटो वेजिटेबल के अंदर आ जाएगा, और जो ख़राब है वो पोटैटो भी हो सकता है, नॉर्मल वेजिटेबल्स भी हो सकता है, तो आपका ऐसा डायग्राम बन जाएगा, पोटैटो को भी टच करेगा। नेक्स्ट देख लेते, स्टूडेंट स्कॉलर्स बुक। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट स्कॉलर्स बुक में जो सभी स्टूडेंट तो स्कॉलर नहीं होता है, तो कुछ स्टूडेंट में स्कॉलर हम लोग बना दिए, और बाकी ये सब जो है स्कॉलर नहीं है, और बुक क्योंकि पूरा एक अलग आइटम है तो उसको अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते, एप्पल मैंगो ऑरेंज। देखो एप्पल मैंगो ऑरेंज जो है तीनों अलग अलग आइटम है, तो आपका मैंगो अलग, ऑरेंज अलग, एप्पल अलग, तो आपका ये हो जाएगा। तो गाइस दिस आर द 9 बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी के ऊपर हम लोग फर्दर और एक वीडियो कर लेंगे, सो दैट आपका टोटल नॉलेज और रिविजन्स भी हो जाए। उसके बाद जो है हम लोग और एक कर लेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस आते हैं जो डायग्राम से नंबर दे के पूछा जाता है, कौन सा है, जैसे एक डायग्राम दे दिया, एक सर्कल दे दिया आपका, ठीक है, ये है आपका एम्प्लॉयड, ये है आपका सपोज़ आप काम करते हैं कहीं पे इंजीनियर से, ऐसे करके आपको फिर ये दे दिया, फिर नंबर पूछ लेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया रहता है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे, वो भी इसी का पार्ट आता है वेन डायग्राम में। तो आप और दो वीडियो में आपका पूरा वेन डायग्राम हो जाएगा गाइस, तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।